हेलो एवरीवन, आज आपको 12th क्लास की 8th पोएम पढ़ाई जाएगी, जिसका नाम है माय हेवन। माय हेवन यानी कि मेरा स्वर्ग। इसके पोएट का नाम रविंद्रनाथ टैगोर है। ये पोएम 1913 से पहले लिखी गई थी, जबकि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन इस पोयम के ज़रिए जो कवि हैं, यानी कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, वे एक आइडियल कंट्री की पिक्चर रखना चाहते थे। और वो चाहते थे कि हमारे देशवासियों में ऐसे गुण हो जाएं जो इस पोयम में बताए गए हैं, ताकि हमारा जो देश है वो एक हेवन बन सके, यानी कि एक स्वर्ग बन सके। ये जो पोयम आपकी है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की एक बहुत ही फेमस बुक है, जिसका नाम है गीतांजलि, उसका एक पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पोयम। है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ। इसका फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, यानी जो कवि हैं, कवि कौन, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि हमारे देशवासियों में क्या क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहली क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उसमें सबसे पहली क्वालिटी जो है वो ये है, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, यानी कि हमारे जो देश के नागरिक हैं वो निर्भीक हों, यानी उनके मन में किसी भी तरह का कोई भी डर ना हो। माइंड मतलब मन हो जाएगा, विचार हो जाएंगे। विदाउट फियर यानी कि बिना डर के। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर यानी कि जहाँ पर लोगों के मन में किसी भी तरह का कोई भी डर ना हो, यानी कि जो निर्भीक हों, अपनी बात को कह सकते हों। एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ के लोगों में गर्व की भावना हो, यानी अपने देश के प्रति वो गर्व कर सकें। या फिर हम कह सकते हैं, दूसरा अर्थ निकाल सकते हैं, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, यानी जहाँ के लोगों में आत्मसम्मान हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, नॉलेज मीन्स ज्ञान, फ्री यानी कि मुफ्त। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुफ्त हो। यहाँ पर मुफ्त का मतलब है जहाँ पर सभी को ज्ञान मिल सके, यानी प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के लिए आज़ाद हो, स्वतंत्र हो। और जो विद्वान लोग हैं, ज्ञानी लोग जो हैं, वो बिना जाति धर्म या मत के भेदभाव को सबको ज्ञान प्रदान करें। वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। फ्रेगमेंट्स मतलब हो जाएगा छोटे छोटे टुकड़े या समूह। ब्रोकन अप मतलब तोड़ना। नैरो डोमेस्टिक वॉल्स यानी कि संकीर्ण मानसिकता, यानी छोटी सोच कह सकते हैं। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इन टू फ्रेगमेंट्स बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यानी वो आगे कहते हैं, जहाँ के लोग छोटी विचारधारा या छोटी या संकीर्ण मानसिकता के कारण पूरे संसार को छोटे छोटे टुकड़ों में ना बांटें। यानी कहने का मतलब ये है कि पूरे संसार को प्रत्येक व्यक्ति अपना घर समझे, और हमारा जो देश है छोटे छोटे राज्यों या क्षेत्रों में बांटा ना जाए। यानी कोई ये ना कहे कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ या मैं यूपी का हूँ, बल्कि सब ये कहें कि मैं एक भारतीय हूँ। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ। वर्ड्स मीन्स शब्द, डेप्थ मतलब गहराई, ट्रूथ मतलब सत्य। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रूथ, जहाँ के लोगों के जो शब्द हैं वो दिल की गहराई से हों। दिल की गहराई से हों यानी कि जो भारत के लोग हैं वो जो बोलें वही वो करें, यानी कि उनकी कथनी और करनी में कोई भी अंतर ना हो। यानी दोबारा से चलिए एक बार इसका सारांश देख लेते हैं। यानी कि इस स्टैंजा में जो कवि हैं, कवि कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, वो कहते हैं कि हमारे जो देशवासी हैं वो आत्मसम्मान और गर्व करने वाले व्यक्ति हों, और प्रत्येक व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति करने के लिए क्या हो, स्वतंत्र हो, और व्यक्ति जो है वो संकीर्ण नीति अपनाने वाला ना हो, और पूरे संसार को वो अपना ही घर समझे। कवि आगे ये भी कहते हैं कि जो हमारे देशवासी हैं उनके जो शब्द हों वो सच्चे हों, और वो दिल की गहराई से बोले गए हों, यानी जो वो कहें उसका वो अनुसरण भी करें। इसका नेक्स्ट स्टैंजा है, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेट्स इट्स आर्म टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे। वेयर टायरलेस, टायरलेस मतलब होता है बिना रुके हुए, यानी कि निरंतर। स्ट्राइविंग, स्ट्राइविंग मतलब कोशिश करना। स्ट्रेट्स फैलाना, आर्म्स भुजाएं, हाथ। टुवर्ड्स
की ओर, परफेक्शन यानी दक्षता, निपुणता। वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्टेट्स इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, यानी कि इस लाइन में वो कहना चाहते हैं जहाँ की नागरिक लगातार दक्षता को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें, यानी कि जहाँ के नागरिक किसी भी चीज़ में परफेक्ट होने के लिए तब तक कोशिश करते रहें जब तक उस चीज़ में वो परफेक्ट ना हो जाएं। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, क्लियर मतलब साफ, स्ट्रीम मतलब धारा, रीज़न मतलब तर्क शक्ति, यहाँ पर तर्क है इसका अर्थ, लॉस्ट मतलब खोना, इट्स वे मतलब इसका रास्ता। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीज़न हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे, जहाँ पर लोगों की तर्क शक्ति की स्वच्छ धारा अपना रास्ता ना भटके, अपना रास्ता ना भूले, इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट। ड्रेरी डेजर्ट मतलब नीरस वातावरण, सैंड मतलब तो रेत हो जाएगी, डेड हैबिट मतलब यहाँ पर हो जाएगा पुराने रीति रिवाज। इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, इसका मीनिंग समझने के लिए ऊपर वाली लाइन से यहाँ कैरी करेंगे। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज नॉट लॉस्ट इट्स वे इन टू द ड्रेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, यानी कि जहाँ के लोगों की स्वच्छ जो विचारधारा है वो नीरस वातावरण और जो पुराने रीति रिवाज हैं उनमें पढ़कर अपना रास्ता ना भूलें, यानी कि जो चीज़ वो सही है वही वो करें और जो उनकी तर्क शक्ति, उनका विवेक जो मार्ग दिखाए उन्हें, उस पर ही वो आगे बढ़ें। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, लेड फॉरवर्ड मतलब होता है आगे ले जाना, एवर वाइडनिंग मतलब हो जाएगा हमेशा आगे की ओर बढ़ने वाला, ये कह सकते हैं हमेशा प्रगति की ओर जाने वाला। थॉट मतलब विचार और एक्शन मतलब काम। वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाई दी इन टू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, यानी कि जहाँ के लोगों के विचार और काम ऐसे हों कि उन्हें लगातार आगे की ओर ले जाए, यानी कि लगातार ऐसे विचार और काम हो, यानी ऐसा वो सोचे और ऐसे काम करे जिससे देश क्या करे, हमेशा प्रगति ही करे। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माई फादर लेट माई कंट्री अवेक, यानी वो आगे कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, ऐसे आज़ादी के स्वर्ग में, यानी कि यदि मेरे देशवासियों में ऐसे गुण हो जाएंगे तो हमारा देश क्या हो जाएगा आज़ादी का स्वर्ग बन जाएगा। माई फादर, वो आगे कहते हैं हे भगवान, लेट माई कंट्री अवेक, मेरे देश को जगा दीजिए, यानी कि मेरे देशवासियों को जगा दीजिए। किससे जगा दीजिए? मेरे देशवासियों में जो अज्ञानता और दासता की गहरी नींद है, यानी इसमें वो सो रहे हैं, उससे मेरे देशवासियों को जगा दीजिए और मेरे देश को एक स्वर्ग बना दीजिए। तो ये थी आज की पोयम, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर आपको आज का ये वीडियो समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।